चुनावी माहौल में नेता वोटों के लिए राजनीतिक स्टंट करते नजर आ रहे हैं। बता दें, उत्तर प्रदेश के बरेली में IMC के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने भड़काऊ बयान दिया है। IMC के फरीदपुर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए तौकीर रजा ने कहा है कि आप सभी को अतीक अहमद और अशरफ अजीम की हत्या का बदला लेना है, आजम खान की जिल्लत का बदला लेना है। तौकीर रजा के भड़काऊ बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तौकीर रजा ने आगे कहा, मुसलमानों अब सुधर जाओ, अगर अभी भी नहीं सुधरे तो इससे भी बुरा हश्र होगा। तौकीर रजा ने मुसलमानों को भड़काते हुए कहा, आप सभी को अतीक और अशरफ की हत्या का बदला लेना है, आजम खान की जिल्लत का बदला लेना है। इतना ही नहीं, तौकीर रजा ने यह भी कहा कि अतीक और अशरफ के कत्ल की जितनी जिम्मेदार BJP है, उतनी ही समाजवादी पार्टी भी है। अखिलेश यादव का भी इसमें हाथ है। अगर अतीक और अशरफ का बदला लेना अगर आजम खान की जिल्लत और रुसवाई का बदला लेना है, जिन सौबतों का बदला लेना है, अगर जालिम से हिसाब लेना है, तो ये समझ लो कि आजम खान की जिल्लत ने और अतीक और अशरफ के खत्म में भारतीय जनता पार्टी जितनी जिम्मेदार है, उससे कम जिम्मेदार समाजवादी पार्टी नहीं है। अखिलेश यादव का उतना ही हाथ है जितना भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। तो मौका तुम्हें मिला है ये बताने आने, और अखिलेश यादव ने तो अपने आप को कुछ हिंदू भाइयों तक भी मेरी आवाज पहुंच रही होगी। गौरतलब है कि बरेली में 11 मई को दूसरे चरण में निकाय चुनाव होना है। इसमें फरीदपुर नगर पालिका परिषद से IMC के प्रत्याशी इस्तखार जरीवाला अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं। तौकीर रजा अपनी पार्टी के प्रत्याशी इस्तखार जरीवाला के लिए फरीदपुर के भूरे गोटिया में रविवार की शाम चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। तौकीर रजा जिस वक्त जहर उगल रहे थे, उस वक्त वहाँ फरीदपुर थाने की पुलिस भी मौजूद थी। इस बीच किसी ने तौकीर के भड़काऊ बयान का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहें समय डिजिटल। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।